इधर आरिफ मसूद के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार सामने आया। आरिफ मसूद का एतराज सही है, नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही है। कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, यह बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। कांग्रेस को रमजान का महीना भी मनाना चाहिए, यह बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। सिर्फ रामनवमी और हनुमान जयंती नहीं बल्कि रमजान भी मनाना चाहिए, यह बात नरोत्तम मिश्रा ने कही। आरिफ मसूद का एतराज बिल्कुल सही है, यह बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। उन्होंने पलटवार किया है। उनका ऐतराज वाजिब है और आरिफ मसूद जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिमों से वास्ता सिर्फ वोटों तक ही है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया है। राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी संदीप भमरकर से बात करेंगे। सर, समझना चाहूंगा आपसे, क्या आरिफ मसूद का ये जो एतराज है, जो उनका मुखर होकर बोलना पीसीसी के खिलाफ या पीसीसी के पत्र को लेकर, क्या इसके सियासी परिणाम देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, कांग्रेस को ऐसे बयानों से निपटना होगा, क्योंकि विधायक आरिफ मसूद अगर ये कहते हैं शुभम कि अगर रामनवमी और हनुमान जयंती के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं, उसको मनाने के लिए कहा जाता है, तो फिर रमजान मनाना, रोजा इफ्तार मनाना, ऐसे आयोजनों के लिए कोई परिपत्र जारी क्यों नहीं किया जाता? आमतौर पर कांग्रेस में इस तरह के परिपत्र नहीं जारी किए जाते हैं, लेकिन त्योहार मनाने की बात हो, चाहे वो रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या फिर रमजान हो, ये परंपरागत रूप से मनाए भी जाते हैं। रोजा इफ्तार की पार्टी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं होती है, मुख्यमंत्री निवास में रोजा इफ्तार की पार्टी होती है, ईद मिलन समारोह भी आयोजित होते हैं, होली मिलन समारोह होते हैं, दीपावली मिलन होते हैं, लेकिन यदि एक पर्टिकुलर उत्सवों को लेकर, त्योहारों को लेकर अगर आदेश निकलते हैं तो इसमें कांग्रेस विधायक का ये सवाल उठना लाजमी है। और इस बात पर कांग्रेस फंसी हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो बढ़ रही है, जो ये जताना चाह रही है कि हिंदू त्योहारों से मनाने से उसको कोई परहेज नहीं है और इसीलिए उसको अलग से परिपत्र जारी किए जा रहे हैं, तो यदि इसके बाद में कांग्रेस के अंदर से एक बात उठती है कि इससे कांग्रेस की मूल विचारधारा खत्म हो रही है, तो ये कांग्रेस को मुसीबत डालने देती है। इस मामले पर कांग्रेस का बयान आना भी बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि आरिफ मसूद के बयान में ये जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, एक राय नहीं बनाई गई थी और अभी भी त्योहारों को मनाने को लेकर यहाँ पर मतभेद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए सर।